हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बहुत दिनों बाद आज हमें मिष्ठान फूड्स में तेजी देखने को मिली। करीब करीब 9% मिष्ठान फूड्स भागा। क्यों भागा? दो धमाकेदार न्यूज़ है। इस न्यूज़ को बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मैंने आज दिए थे 3 जैकपॉट 4 जैकपॉट शेयर। एक गया 20% अप, एक गया 10% अप, एक गया 12% अप और एक गया 5% अप। तो कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है। और अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हम लोग मैनेज करें, हमारी टीम मैनेज करे, तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, मिष्ठान फूड्स में आज तेजी देखने को मिली और आज का रेट था 7 रुपीज़ 72 पैसा एंड 52 वीक हाई था 14 रुपीज़। आज इसमें कंपनी की ओर से नोटिफिकेशन आया, मार्केट चल रहा था उस दरमियान, कि कंपनी में नोमुरा सिंगापुर ने 1.28% का स्टेक बाय किया है, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेक बाय किया है। नोमुरा ये वर्ल्ड की फेमस FPI है या FII है, जो कि कोई भी शेयर में बाइंग करती है तो शेयर में तेज़ी आती है। तो नोमुरा ने काफ़ी अच्छा बाइंग किया है, 1.28% का स्टेक बाय किया है मिष्ठान फूड्स में। यह नोटिफिकेशन कंपनी की ओर से आया और प्लस कंपनी ने बताया है कि कंपनी अभी अफ्रीकन मार्केट में टारगेट कर रही है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मिष्ठान की ओर से नोटिफिकेशन आया था और उसमें बताया था कि ग्रो एंड ग्रब LLP ये कंपनी जो सब्सिडरी है मिष्ठान फूड्स की, वो इंस्टा जो है फाउंड की गई है, बनाई गई है UAE में, और वहाँ से मिडल ईस्ट और अफ्रीकन मार्केट को कंपनी टारगेट करने वाली है, जैसे कि जो है आटा, सॉल्ट और राइस के लिए। तो यही कंपनी ने कहा है कि आने वाले दिनों में कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इस एरिया से जो सेल होगा उसके कारण बढ़ने वाला है। तो ये दो न्यूज़ के कारण आज तेज़ी देखने को मिली। अब अगला जो रेजिस्टेंस है वो है 8 रुपीज़ का, उसके बाद में 8 रुपीज़ 40 पैसा, बाद में 8 रुपीज़ 60 पैसा और बाद में 9 रुपीज़। देखना ये है। अब ऐसा लगता तो है कि इस खबर के कारण तेज़ी आएगी, प्लस क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी जल्दी ही डिक्लेयर किए जाएंगे। तो ये दो अभी क्वार्टर फोर के रिजल्ट शानदार आए तो शेयर फिर से 12-13 रुपये या टाइम पड़ा तो 14 रुपये तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो मिष्ठान फूड्स में ये दो पॉजिटिव न्यूज़ होने के कारण आज तेज़ी देखने को मिली है। आशा करते हैं कल भी तेज़ी बनी रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।